चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज हम जा रहे हैं वृंदावन फिर से, और आज हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं मेरे साथ है पल्लवी, हेलो, ये इसको तो सभी जानते हैं, ये इनाया सबसे छोटी ब्लॉगर, नानी मम्मी और आगे आंटी बैठी हैं। हम सब जा रहे हैं वृंदावन और आगे का ब्लॉग टेक ओवर कर रही है इनाया। सबसे पहले हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल और फिर हम जाएंगे राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी, फिर हम जाएंगे राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी और फिर उसके बाद हम जाएंगे राधा रानी के टेम्पल। ठीक है आज इतने शाही क्यों हो रहे हो? आज शर्मा किससे रहे हो? पल्लवी से? नहीं का? फिर? तो फिर अच्छे से करो। ओके गाइस, तो यहाँ पे ना ट्रक्स रखे हुए हैं, कितने सारे ट्रक्स रखे हुए हैं, ट्रक्स भी बोलता है, ट्रक्स रखे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है गाइस, इतनी भीड़ गाइस अभी पता नहीं कोई भी नहीं आया यहाँ पे इस जगह पे, और आज इतनी भीड़ लगी हुई है, कभी कोई नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ आज लगी है भीड़ यहाँ पे। अरे भीड़ कितनी बार बताऊंगी, बोलो तो फिर बाकी का ब्लॉग हम वृंदावन जाके दिखाते हैं। बाकी का ब्लॉग हम वृंदावन जाके दिखाते हैं, और तब तक के लिए आप कुछ वेट करिए। क्या हुआ आपको? व्लॉग बनाना है। व्लॉग बनाना है? चलो गाइस अभी हम आए, हम पतूता में आए, और यहाँ पे बहुत धूप हो रही है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, इमरजेंसी में तो खरीद लेते हैं, अगर टाइम है। नहीं दिख रहा मुझे, ज्यादा खाला हो रहा है ना, इसलिए धूप हो रही है, धूप हो रही है यहाँ पे ना, थोड़ी सी धूप हो रही है यहाँ पे, बट मैं कह रही हूँ हमें तो दिखा दो वही हम उतर चुके हैं। गाइस अब हमने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे, और अब हम आए कुछ खाने, बाकी सही हो गई। इनाया देखो आप पे आएगा, इनाया बहुत सैड। गाइस मैं तो हूँ खा के बिल्कुल फुल, पेट भर गया तेरा? कैसा अच्छा है खाना? आप वीडियो भी बनाते रहोगे। इसको बोटिंग करने जाना है ना नया? आपको बोटिंग करनी है? आपको तो यहाँ से आपके हाथ से बंदर ले गया, तो इसके टीका देखो कहाँ लगा है।
80 रुपए का देना है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं जमुना जी, क्योंकि इनाया को करनी है बोटिंग। तो हम बोटिंग करने जा रहे हैं, बट यहाँ पे तो इतना जाम लगा हुआ है। ये बहुत एक्साइटेड है ना। हम मिलेंगे बोटिंग जब हम करेंगे, और ऑब्वियसली मैं करूंगी बोटिंग। ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ी सी नर्वस। तो आ गए हम यमुना जी। नाया जी एक्साइटेड? गाइस हम लोग बोट में आ चुके हैं। आपको कैसा लग रहा है ना यहाँ? बहुत अच्छा, बट अब स्टार्ट तो नहीं हुई वो। अभी वो भैया करेंगे स्टार्ट। अभी भैया करेंगे। वीडियो बना लेना, हमें भेज देना। गाइस मेरे को ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसे देखो, शैम्पू डाल के नहा रहा है, और वो भी यहाँ ही अपना लिया है। हेड वॉश हो रहा है प्रॉपर। गाइस हम चल रहे हैं, चल रही है हमारी बनावट। चल रही है गाइस, बोट चल गई ना, बहुत हैप्पी है। इसका व्लॉग सुन लो। गाइस अभी हम आज बोट पे, आपको मैंने भेजा था, बट और यहाँ पर सबके नाच रहे थे शैम्पू करके। गाइस मैं बैठ गई हूँ आगे बैटरी रिक्शा में। तो हम जा रहे हैं अब यमुना जी से पालकी की तरफ, फिर हम जाएंगे बरसाना। वैसे तो हमने जाना था पहले जन्मभूमि, तो देखते हैं वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हाँ, इसमें गुंडागिरी की, वो जेल में गया। दिखा दीदी को, दीदी को पता नहीं है। नहीं, पैर से जैसे फोड़ रही थी। टैलेंट देखो गाइस। अब ना फूट रहा। फोड़ो अभी तक फूट रहे थे, अब नहीं फूट रहे। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब हम वहां से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जन्मभूमि। वहाँ पे फोन तो अलाउड होता नहीं है, तो वहाँ तो व्लॉग नहीं कर सकते एज यूजुअल। लास्ट व्लॉग में भी मैंने बताया था, तो देखती हूँ वो बाहर जाके फ़ोन बाहर तक गेट तक ले जाऊँ या वहाँ सबमिट करा दूँ। हम फोटोज़ तो क्लिक कर सकते हैं, बाकी तो नहीं। तो अब चलते हैं सीधा वहाँ पे। ये पल्लवी और मेरा बहुत मन था जाने का। ये फॉर्म में आ गई है जूड़ा वूड़ा बना के, बहुत थक गई हूँ मैं गाइस सच में। देखो खोल, अब देखो मेरी बीवी। ओहो, इसे तो मीम लगाऊंगी। ना उसके बतौर से। हाँ गाइस, अभी मैं आगे क्लिप ऐड करूंगी या शायद मैं पीछे कर चुकी होंगी। एक लड़की वो पॉपअप वाले पटाखे पैर से फोड़ रही थी और सुपारी खा रही। हमने कहा क्या खा रही है, गुटखा? कहती नहीं, सुपारी खा रही हूँ। और पल्लवी ने बोला सुपारी मत खा,
लास्ट सवारी अच्छी नहीं होती तेज तुर्य स्वैग स्वैग है उसका भी अपना अलग स्वैग तो स्वैग ही स्वैग को आपने रोका क्या बोले गाइस हम निकल गए हैं यहाँ कृष्ण जन्मभूमि से और हाँ इनाया भी है मेरे ब्लॉग में तो हम लोग जन्मभूमि से निकल गए हैं वहाँ अंदर फोन तो अलाउड होता नहीं है तो अब बाहर आके फोन लिया है मैंने इनाया आपको कैसा लगा वहाँ पे अच्छा लगा बट मुझे हाँ इसने स्वेटर चेंज करके अब टी शर्ट डाल दिया और अब हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी मंदिर हर चीज में एक्साइटेड होती है अब यहाँ तो बहुत अच्छा लगा मैं तो पहली भी आई हूँ मम्मी वगैरह सब अब पहली बार आए हैं यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि तो सबको बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर सुंदर है मंदिर मंदिर तो बहुत सुंदर है यहाँ का एरिया भी बहुत सुंदर है तो अब चलो बरसाना चलते हैं फिर दिखाते हैं इसकी एनर्जी नहीं होगी भाई साहब डाउन इनाया किसकी गाने पे आप डांस कर रहे हो एल्विश इनाया इनाया आपको एल्विश पसंद है आप मिलना चाहते हो किससे मिलना चाहते हो एल्विश और एल्विश के गाने पे डांस कर रहे हो गाइस ये सो नहीं रही थी डांस करे जा रही थी और मैंने जान के बोला कि मैं भी सो रही हूँ और पल्लवी भी सो रही है और ये फिर सो गई और अब कह रही थी गहरी नींद आ रही थी मुझे अब हम पहुंच गए हैं बरसाना और यहाँ पे इतने लंबे पहाड़ है जो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं नहीं गई थी झूठ कितना बोल रही है हर बार आती है और कहती है कि मैं नहीं गई अच्छा लिंक दिखाना के सामने बेइज्जती ना कराओ ठीक है अपनी रिंग दिखाओ गाइस ये देखो इनाया की रिंग यहाँ पे ना बहुत लंबे लंबे पहाड़ है और ऐसे लग रहे कि ना पता नहीं हमें पहाड़ों पे चले गए या कौन से पहाड़ों पे पता नहीं गाइस गाइस सामने कौन जा रहा है प्याज रोटी दे दो दी प्याज रोटी वाली चुड़ैल आ जाती है जय गाइस हम आ गए हैं बरसाना यस गाइस इसको बस व्लॉग करना है ये मेरे को व्लॉग नहीं करने देगी ये मेरे को बोलती है मेरा चैनल बना दो नहीं नहीं आंटी ये लो बताओ ये भी कोई बात है अगर मेहंदी लगाने जाते अगर नहीं लगवानी होती तो ये बात जरूर तो जल्दी लेके मत आना कि मेहंदी वाले पकड़ ले जाएंगे जल्दी चल जाना जाके नानू भी गुस्सा हो रहे हैं ए कौन फेंको ये अपनी अपनी की नहीं है तो गाइस फाइनली हम आ गए मेरी बिल्ली उतर गई पता नहीं भीड़ में और मैं आगे दर्शन करते हुए मैं बोल रही थी राधा रानी आने से नीली चुन्नी मिल जाए मुझे मिल गई या माए चाय पकौड़े खाने एज यूजुअल इसका प्लान सुन लो अब इसको ये डालने आरती मासी के ऊपर चुपचाप गाइस अब यहाँ से हमने पकौड़े खा लिए चाय पी ली
अब हम जा रहे हैं घर और मेरे फोन में अब 12% बैटरी। अब हम घर जाके व्लॉग एंड करेंगे। yes. तब तक चलिए सबको राधे राधे। राधे राधे बोलो। बोलो अब हम घर जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वरना हम कल से बनाएंगे नहीं। कम से कम भैया गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इनाया को भी और मिस पर्स को भी। तो गाइस मैं व्लॉग में बताना भूल गई थी कि मम्मी और मैं एक टोकरी बनवा के लेके गए थे क्योंकि जैसे सर्दियों में अब उनको बिहारी जी को फूल नहीं चढ़ते तो उनके लिए गज्जक मूंगफली रेवड़ी सब कुछ हम लेके गए थे। हम बाहर से ले आए थे और उसके बाद टोकरी हमने खुद बनवा ली थी और वो टोकरी का अंदर भोग भी लग गया उसमें इतने सारे तुलसी के पत्ते और एक डिफरेंट सी मिठाई भी मिली। उसकी मैं फ़ोटो यहाँ अटैच कर देती हूँ। वो बहुत ही अम्मी थी बहुत डिफरेंट थी वैसी मिठाई मैंने खाई नहीं सच में आज तक। और हमें वहाँ से ना वो मिला था मतलब इत्र वाली रुई कि जो उनको जो इत्र मालिश करके जो रुई हटा के देते तो वो कान में लगा रखी है तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है मैं तो उतारती नहीं कितने कितने दिन। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग है मैं क्या बोल रही हूँ दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। राधे राधे।